दोस्तों, कोई भी इंसान हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, या जो स्टार्टअप करना चाहता है, जो नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी में एक चीज जरूर दिमाग में रहता है, फियर, यानी कि डर, यानी फोबिया। किसी न किसी चीज से सबको फोबिया रहता है, डर रहता है, आशंका रहती है, तो उसके नाते वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा वर्ड है फियर, जो ऑलरेडी हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो घर करके बैठा रहता है, हमें डराता रहता है, 2 कदम आगे जाने से पहले 4 कदम पीछे की तरफ ढकेल देता है, कि अगर इस बिजनेस को या कोई भी प्रोसेस हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, कितना लॉस हो जाएगा। तो आज मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलने वाला कोई भी बल्लेबाज हो, नहीं रहता है, या 2-3 पारी में वो 0 रन बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट खेलना छोड़ देगा, यानी वो उसकी पारी ही खत्म हो गई, वो रिटायर हो गया। तो वो भी एक फोबिया है, वो डर रहता है, लेकिन उससे वो सीखता है, वो उस भय को, उस फियर को वो दूर भगाना चाहता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गलती को सुधार करके। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है। अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कोई भी काम सीख रहे हैं, उसके बाद बिजनेस आप खोल रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको अनुभव हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत गलती होती है तो उस गलती से आप जा करके अब सीख सकते हो कि कहाँ पे मैंने गलती की है, कहाँ पे सुधारने की जरूरत है। तो सफलता आपको तभी मिलेगी अगर आप फियर को एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे, यानी कि फियर को निगल को एक पॉजिटिव सेंस में लेकर के आप अगर कोई काम, तो सफलता जरूर मिलेगी। यानी फियर को एक अच्छी चीज बनाइए, फियर को एक अपना स्ट्रेंथ बनाइए। जो आपकी कमजोरी है वही आपकी मजबूती होनी चाहिए। जिंदगी में सफल होना दोस्तों हर एक इंसान का यही कोई ना कोई फियर होता है, अगर है तो उसको अपनी मजबूती बनाइए, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। वो वही आपको ऐसा हेल्प करेगी कि फ्यूचर में आने वाली जो भी चीजें आप करना चाहते हैं आपको आसानी से मिल जाएगा या अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक यही सारी बातें मैं समाप्त करता हूँ। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ शेयर करना ना भूले। नमस्कार।